नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में मंगलमय स्थिति में होंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका एक और नया समय आ चुका है। अब आप सभी के लिए जीवन काल में बहुत ही अच्छी खुशखबरी भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज शाम के 5 बजे के बाद आप सभी के जीवन काल में आपको 5 नए शुभ समाचार मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान आपको बहुत बड़ी चीज देने वाले हैं, जिन्हें पाकर आप खुशी से बिल्कुल ही गदगद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते अब आपकी जरूरत होती है कि इन सभी चीजों को बिल्कुल ही प्रेम भाव से लेने का। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं कि चीज़ों को सुनते ही खुशी से उछलने पड़ते हैं और ढिंढोरा पीटने लगते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये भूल यश में बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है कि कैसे यह चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है, इनके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी कार्यों में आपको कार्य करना है और कौन सी चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल ही सावधान रहना है दोस्तों, और इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से करों के गोचर पर निर्मित बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों आप इन्हें जान पाएंगे और तभी ये 5 शुभ समाचार आपके हाथों में होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में ये चमत्कार होने वाले हैं भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन काल के सारे प्रकार की कष्टों का, सारे प्रकार की समस्याओं का अंत स्वयं भगवान श्री गणेश जी करने वाले हैं और खुशियों का समय आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम 5 बजे के बाद से भगवान श्री गणेश जी आपके जीवन काल में आने वाले हैं, दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन बातों को आप बिल्कुल भी मजाक मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जो उनकाल में अपने सभी भक्तों को वे क्षण में 0 से 100 तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी उनकी माया है। जी हाँ दोस्तों, बस हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है। जी हाँ दोस्तों, और जब भगवान का समय आता है तो दोस्तों वह किसी न किसी रूप में हमें उनका परिणाम दे ही देता है। जी हाँ दोस्तों, और वह समय अब आ चुका है जब आपके सारे दुखों का अंत होने वाले हैं और जो भी दुख की परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे दोस्तों, उनसे छुटकारा मिलकर अब आपको खुशियों का मार्ग दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो बता दें कि कल से आपके जीवन काल की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और जीवन काल में सभी प्रकार की सुख संपदाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बारिश होने वाली है। कि दोस्तों आपको बता दें कि इंसान सच्ची श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करता है तो दोस्तों भगवान भी उन सभी विश्वास करने वालों का दिल नहीं तोड़ता। जी हाँ दोस्तों, चाहे जैसा भी हो, भगवान अपने भक्तों की मदद किसी न किसी रूप में जरूर ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात हमने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताए हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि सच्ची श्रद्धा होना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों विश्वास, सच्ची श्रद्धा वो चीज़ है जिनसे हम पत्थर में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी सच्ची भक्ति, सच्ची विश्वास है तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान श्री गणेश जी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में भगवान श्री गणेश जी जो चीज़ आपको देने वाले हैं उन्हें आपको संभाल कर रखने होंगे, और दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल ही अपने ही अंदर रखना है, ये बात कहीं पर भी आपको नहीं ढिंडोरा पिटना है। क्यों दोस्तों, जहाँ भी आप इन बातों को ढिंडोरा पिटते हैं तो दोस्तों वहीं से आपके जीवन काल की बुरे दौर की शुरुआत होती है। आपके दुश्मन, आपसे ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी सच्चाई जानकर वे पहले ही आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं किस प्रकार आए उनके लिए वे तैयारियां करने लगते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ही आप अपने ही मन के अंदर, अपने दिल के अंदर छुपा कर रखें। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आज शाम 5 बजे के बाद आपके जीवन काल में वो 5 बड़ी शुभ समाचार कौन कौन सी है। दोस्तों यह समय अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय
अपने परिवार और संबंधियों के लिए अवश्य निकालें। इसी दोस्तों आप तनाव मुक्त और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। अपनी प्रतिभा के दम पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में भी यशमय कामयाब रहेंगे। और इसके उपरांत से यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से जो है ओझल हो सकती है। प्रत्येक कार्य को ठंडे दिमाग से सोच विचार करके ही करें। साथ ही बच्चों की समस्याओं के समाधान में अपना अवश्य सहयोग दें, ये आपके लिए अवश्य होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि भावनात्मक रूप से जो समय है आपके लिए आपको सकारात्मक महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी विचार या फिर भावनाएं आपके लिए तकलीफदायक हो रही थी दोस्तों उनको जीवन से दूर करना आपके लिए यशमय संभव हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए आपके प्रयत्न यशमय जारी रहेंगे। फिर भी वक्त का लिहाज याद रखना भी आपके लिए यशमय अत्यंत आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी धार्मिक कार्य के प्रति आपकी रुचि रहेगी। संतान की किसी एक्टिविटी से स्वयं को गर्वित महसूस करेंगे। खर्चों की अधिकता भी रहेंगी, परंतु ये खर्चे कुछ बेहतर और भविष्य संबंधी शुभ योजनाओं के लिए होंगे, इसलिए घबराए नहीं। और इसके साथ ही दोस्तों कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की प्रवृत्ति से इसमें आपको दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों खुद को आर्थिक स्वरूप से सबल बनाने की आपकी कोशिश इसमें सफल हो रही है, लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वजह से व्यक्तिगत बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए इसमें भविष्य में तकलीफदायक रह सकता है। इसलिए दोस्तों रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि ये आपके भविष्य संबंधी सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें किसी सामाजिक संस्था में आपके अच्छे सहयोग की वजह से आपका इसमें मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। आप अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ नए क्रियाकलापों और ज्ञानवर्धक बातों को सीखने में भी अपना समय व्यतीत करेंगे। आपके व्यक्तिगत में यशमय निखार आने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यशमय आर्थिक समस्या के कारण आपको अपनी कुछ योजनाएं स्थगित भी करनी पड़ सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित कोई अशुभ सूचना मिलने से मन में कुछ जो है वैराग्य जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बनते हुए काम अचानक बिगड़ने की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का सामना भी करना होगा। फिर भी परिस्थिति को पूरा समझकर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपकी किसी गलती की वजह से ही आपको यह असफलता मिली है, इसे मिटाने की कोशिश आपको फिर से करनी होगी। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह समय काफी समय बाद घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा वातावरण भी रहेगा तथा एक दूसरे के मेल मिलाप बेहतरीन दिनचर्या से राहत आपको देने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय से आप स्वयं का आत्म अवलोकन करने का जो प्रयास कर रहे हैं इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपके सामने आएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अवांछित लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखने आपके लिए उचित रहेंगे। कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने का इसमें प्रयास भी करेंगे। अपना व्यवहार सीमित रखें, क्रोध और आवेश में स्थितियां ज्यादा बिगड़ सकती है, तो इन पर आपको जो है रोक लगानी चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय फिलहाल आपको परिस्थिति के सामने झुकना पड़ेगा। यदि बातें अधिक नकारात्मक हो रही हो तो दोस्तों अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करें। जिन व्यक्ति से अधिक नकारात्मकता प्राप्त होती है ऐसे लोगों से कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको मिल रहे जो है अपयश की वजह से लोगों द्वारा हो रही आलोचना भी आपकी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल है, इसलिए दोस्तों दिन की शुरुआत होते ही आपको कार्य संबंधी रूपरेखा बना लेना चाहिए ताकि दोस्तों समय का अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। परंतु नौकरी तथा व्यवसाय में ध्यान रखें कि किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई दिक्कत भी आ सकती है, इस कार्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
इसके साथ ही दोस्तों व्यवसायिक बाधाएं काफी हद तक आपकी दूर भी होंगी, परंतु आर्थिक स्थिति मंद रहने की वजह से आत्मविश्वास भी आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है। लेकिन इसमें आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, आगे आपका सफलता इंतजार कर रहा है। दोस्तों बसरते आपको इसमें ध्यान रखते हुए आपको उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जो कि आपको सफलता के राह पर ले जाने वाली है। दोस्तों नौकरी में आपके जो भी कार्य हैं उच्चतर परिणाम भी यश में हासिल करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी शुरुआत व्यक्तियों को अपनी मनपसंद अथॉरिटी मिलने से शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, जिसमें प्रमोशन की भी उम्मीद है। व्यवसाय में यह जो समय है आपके लिए अतिरिक्त आय की भी शुभ स्थितियाँ बन रही है। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी और बिजनेस में का माहौल जो है अपने अनुकूल बनाने में आप सक्षम रहेंगे। सौंपी हुई जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप यश में बहुत ही बखूबी तरीके से करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो समय आपके लिए हो सकता है कि कोई दिक्कत आने पर आप अपने वसूलों और फिर सिद्धांतों से कुछ समझौता भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, परंतु घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी पारिवारिक समस्या का जो है समस्या को लेकर तकरार रह सकती है, परंतु आप जो है अपने सूझबूझ द्वारा उसका असर पारिवारिक सुख शांति पर नहीं पड़ने देंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अफेयर्स के मामलों में आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपनी कोई गुप्त बात बाहर आ सकती है जिसका दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। घर का माहौल भी शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा, परंतु जीवनसाथी के साथ किसी मुद्दे को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, तो दोस्तों यश में आपको इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों यश में मौसम की वजह से कोई एलर्जी होने की आशंका बन रही है। बिना वजह लोगों से मेल जोल ना रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सिर में भारीपन तथा मनोबल में कमी महसूस करेंगे। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए आपको यश में ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए।